टीवी है ये। तो अब जो वायर यहाँ से निकाले हैं वीजे से ना, ये पीछे वाला, तो इसको हम लगा देते हैं अपने टीवी के अंदर। ये वीजे पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ लगा देते, टीवी भी लगा देते हैं, यहाँ टाइट कर दिया, ठीक है। HDMI नहीं लगाएंगे हम, लगाएंगे ब्लू वाले में, वीजे में लगा देंगे। दोस्तों कैसे आप लोग हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ कि एक CPO से कैसे किसी टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ यहाँ दिख रहा है ना इस मॉनिटर के ऊपर, वो सारा चीज़ आपको टीवी पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जानना चाहते हैं तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरे पास ना एक टीवी है, ये 24 इंच का कह सकता हूँ ये टीवी है, देख सकते हैं। इसके अंदर जो सेटअप बॉक्स के माध्यम से कुछ प्रोग्राम चल रहा है, ये दिख रहा ना ये। अब इसको मैं सेटअप बॉक्स हटा दूंगा और सेटअप हटाने के बाद में अब इस टीवी को मैं अपने CPU से कनेक्ट करूंगा, मतलब इससे कनेक्ट करने जा रहा हूँ और दिखाता हूँ जो चीज़ें यहाँ दिख रही ना। तो अब आउटपुट जो है ये जो है टीवी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा ईजी तरीके से है, घर में रह के आप काम कर सकते। कभी कभी क्या होता है ना, लोगों का मॉनिटर ये ख़राब हो जाता है, उसके तो नया मॉनिटर खरीद ले या तो वो कुछ दूसरा जो है जुगाड़ करे या टीवी कनेक्ट कर सकते हैं। तो टीवी कनेक्ट करने के लिए बताते हैं आपको हैं, क्योंकि ये टीवी है ना वो रिमोट से ही अगर आप सेटिंग कर देंगे तो आपका टीवी चालू हो जाएगा, रिमोट से ही आप सेटिंग कर देंगे तो आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लेके चलते हैं आपको मैं अपने उस मॉनिटर कनेक्ट, चलिए दिखाते हैं आपको मैं कैसे कनेक्ट। तो देखिए ये एक मॉनिटर कनेक्टेड है, दिखाता हूँ आपको मैं। जो ये मॉनिटर कनेक्ट होता है ना इस CPU से, ये किसी न किसी वायर से कनेक्ट होता है। उस वायर को क्या कहते हैं, तो देखिए इसमें ब्लू कलर का एक वायर कनेक्टेड है, ये दिख रहा ना, इसको बोलते हैं VGA पोर्ट कहते हैं। और इस मॉनिटर के अंदर सिर्फ VGA पोर्ट ही दिया हुआ है, मतलब VGA पोर्ट के माध्यम से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको CPU के अंदर कौन कौन सा पोर्ट दिया रहता है। देखिए आज के डेट में VGA पोर्ट के अलावा एक पोर्ट आ चुका है HDMI पोर्ट, जिसको बोलते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट, जो क्वालिटी VGA पोर्ट के मुकाबले थोड़ी बेटर होती। दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए ये मॉनिटर, ये हमारे पास कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर पुराना है ये। तो इसमें देखिए ये तार ब्लू वाला जो आया हुआ ना, ये आया हुआ है इस मॉनिटर से और इसी के माध्यम जो गतिविधि चल रही है ना, ये तार के माध्यम से यहाँ दिखाता रहता है। कभी कभी तार खराब हो जाता है तो यहाँ नो सिग्नल लिख कर आता है, ये भी नोटिस करिएगा। तो तार इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको निकाल देंगे तो कंप्यूटर नहीं बंद होता ये। देखिए इसको हम ऐसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं इस तार को ऐसे। हमने देखिए अभी देखिए यहाँ से कुछ आ रहा ना, ये हमने तार ऐसे निकाल दिया, उसके बाद जो है ये हमारा गायब हो चुका है। अब हम टीवी कनेक्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं टीवी। हाँ, आपको बता रहा था, देखिए इसके अंदर इस वाले जो CPU है ना, इसके अंदर HDMI पोर्ट नहीं दिया हुआ है तो HDMI लग नहीं पाएगा। तो अगर आप सोचते हैं कि आप टीवी कनेक्ट करें HDMI के माध्यम से तो आपको कन्वर्टर लेना पड़ेगा, लेकिन कन्वर्टर से बेटर है कि आप VGA में ही कन्वर्ट करें, या तो कोई मशीन आपके पास पड़ा उसमें HDMI पोर्ट दिया हुआ है। HDMI दिखाता हूँ कैसा होता है आपको, पहले कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर लेते हैं हम इसको भी। कंप्यूटर बंद नहीं हुआ है, सिर्फ हमने मॉनिटर को जो है अलग कर दिया है। देखिए हम पीछे हटा देते हैं मॉनिटर को और इसको हम ऐसे पावर हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लगाते हैं टीवी। देखिए हमारा ये टीवी है 24 इंच का कह सकते हैं और ये टीवी हमारा है और इस टीवी को हम कनेक्ट करते हैं। अब देखिए टीवी में कौन कौन सा पोर्ट दिया हुआ, देखिए मॉनिटर में तो सिर्फ VGA पोर्ट दिया हुआ था, इसके देखिए एक रेड कलर का दिया हुआ है, एक दिया व्हाइट कलर का दिया हुआ है, एक ग्रीन, ये रेड है ये, इसको बोलते हैं AV, ठीक है, ऑडियो वीडियो आउटपुट कहते हैं। ये देख सकते हैं ये पोर्ट है, इसका मतलब नहीं आपको है कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, आपका मतलब दो है, ये एक दिया हुआ है आपका ये ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं VGA, इसमें 15 पिन दिए रहते हैं, काउंट करेंगे 15 पिन होगा 6 टाइप का। और उसके बाद ये दिया हुआ है HDMI, ये HDMI इसको बोलते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्ट है ना, ये हमारे कंप्यूटर में दिया नहीं हुआ, तो ये लगेगा नहीं लगेगा तो हमको इसी से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एट ए टाइम चाहते हैं टीवी भी देखें, एट ए टाइम चाहते हैं कंप्यूटर यूज़ करना, तो एक जो है इससे कनेक्ट कर दीजिए, एक इससे कनेक्ट कर सकते हैं आप चाहें तो। लेकिन आपको दिखाते हैं कैसे कंप्यूटर हम कनेक्ट करते हैं। तो हम इस तार को हटा देते हैं, ये तार लगा हुआ इस तार को हटा देते हैं और हम क्या करेंगे, इसी तार को जो है ना एक यहाँ लगाएंगे, देखिए यहाँ लगा देते हैं। अभी देखिए ध्यान से इसको हम पीछे से लगा देते हैं, इसको हम नीचे रखे आपको दिखाते हैं बन बन करके। तो ये तार जो लगा हुआ ना, ये तार को हम ऐसे यहाँ पे लगा देते हैं, देखिए तार लगा दिया हमने, ये तार देखिए लग गया, ये तार लग गया ये। और तार लगने के बाद में और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉनिटर था ना, मॉनिटर ये इसके अंदर पीछे भी तार लगा हुआ है, इस तार को हम यहाँ से निकाल देते हैं, लॉक सिस्टम पे होता है। देखिए इसको हमने तार को निकाल दिया, अब ये मॉनिटर को हम जो है ना, इसका जो पावर वाला वो अडाप्टर है इसको रखना चाहते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं और इसको हम ये मॉनिटर को
15 सस्ता वाला है, इसको हम दूर कर देते हैं ये। अब इसके जगह हम यूज़ करेंगे टीवी, ठीक है, टीवी है ये। तो अब जो वायर यहाँ से निकाले हैं वीजीए से ना, ये पीछे वाला, तो इसको हम लगा देते हैं अपने टीवी के अंदर। ये वीजीए पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ लगा देते, टीवी भी लगा देते हैं, यहाँ टाइट कर दिया, ठीक है। HDMI नहीं लगाएंगे हम, लगाएंगे ब्लू वाले में, VGA में लगा देंगे, और उसके बाद HDMI खाली, क्योंकि HDMI यहाँ नहीं पोर्ट दिया हुआ है, इसलिए HDMI कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ जो पावर वाला वो तार दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ पावर वाला तार दिया हुआ है, ये पावर अडैप्टर, इसको हम यहाँ लगा देते हैं, इसको हम यहाँ से लगा देते हैं। लगाने के बाद में देखिए हमारे इस मोनिटर में ना कुछ तो आ गया, देखिए टीवी में कुछ तो कुछ आ गया, लेकिन क्या अभी भी ना डिस्प्ले नहीं आएगा, अभी लिख क्या रहा है HDMI नो सिग्नल। क्या कर रहा है ना, जो तार लगा हुआ है वो लगा VGA लगा हुआ है, और टीवी सर्च कर रहा है HDMI पोर्ट के ऊपर, इसलिए डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपके मोबाइल आपके टीवी में रिमोट कंट्रोल होगा वो ले लीजिए, या आपने टीवी देखिए यहाँ सेटिंग होगा यहाँ पे, तो हमारे टीवी में यहाँ पे VGA करना पड़ेगा हमें। हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे कनेक्शन पे जा करके इसको हम VGA सेटअप, आपके टीवी सेटअप अलग होगा, उसको देख लीजिए कैसे कैसे करना है। ठीक है, ये दिया हुआ ना AV RGB PC, PC के लिए दिया हुआ ये, और HDMI दिया हुआ। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जाकर के हम इसको RGB सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए डिस्प्ले हमारा आ जाएगा, इसको हमने ओके कर दिया। अब देखिए ये आ गया हमारा कंप्यूटर में, देख रहा है ये। तो ये इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा। आपको फिर टीवी देखना मान लीजिए है, तो आप दो कनेक्ट कर दीजिए, एक सेटअप बॉक्स कनेक्ट कर दीजिए HDMI से, और एक VGA कनेक्ट कर दीजिए आपको जो है CPU से। अगर आपको मान लीजिए कि टीवी देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से यहाँ क्लिक करके, और यहाँ क्लिक करके आपको जा करके HDMI सेलेक्ट करना होगा। तो ये HDMI सर्च करेगा, सिग्नल HDMI से मिलेगा तो आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको अगर कंप्यूटर देखना को है तो यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है सेलेक्ट कर देंगे इसके ऊपर जा करके RGB PC, तो यहाँ पर क्लिक करके ये हमारा जो है हमारा कंप्यूटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए तो मतलब 2-in-1 TV काम जो है दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप, चाहे इसको कंप्यूटर बना सकते हैं और चाहे इसको TV बना सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं कम पैसे के अंदर, ठीक है। तो कुछ लोग कमेंट आ रहा था कि सर TV को कैसे यूज़ करें मॉनिटर जगह, तो मैंने बता दिया एक सिंपल तरीके से, एक ब्रीफ वीडियो था, छोटा वीडियो था, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया हुआ। और हाँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सर हमको जो है ना HDMI से कनेक्ट करना है, तो VGA टू HDMI कन्वर्टर आता है, लेकिन बहुत सफल नहीं होता है, क्योंकि अगर इससे आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा तो कन्वर्टर कुछ फ़ायदा नहीं होगा पाएगा। इसलिए जब भी आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं आज की डेट में, तो दुकानदार से बात करिए क्या उस मदरबोर्ड के अंदर HDMI पोर्ट दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। HDMI पोर्ट नहीं दिया हुआ तो उसको आप प्रीफर नहीं करिए, क्योंकि कंप्यूटर पुराना है, कस्टमर का है, इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ। जितने नए वाले कंप्यूटर आते हैं उसके अंदर HDMI पोर्ट मिलता मिलता आज के डेट में, VGA पोर्ट भलो ना मिले लेकिन HDMI पोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो ये एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, वीडियो पसंद आपको आए प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताया के लिए अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग जो ऐसे नॉलेज वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं, हो सके वीडियो उनको काम आए। चलिए दोस्तों आप सब लोग को